हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम लोग एक बात करते हैं ईडी क्लास की। ईडी क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में कभी ना कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, चाहे आईटीआई का एग्ज़ाम कोई दे रहा हो चाहे गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, उसमें क्या होता है कि एक ना एक क्वेश्चन लाइन से आ जाता है। तो हम लोग आज बात करेंगे लाइन के बारे में कि लाइन कौन कौन सी, क्या नाम होता है उसका। जैसे हमारी ये थिक लाइन दे रखा है, ये देखिए सीधी सीधी बात, ये थिक लाइन दे रखा है, इनकी चीज़ें याद बताए इनका उपयोग क्या होता है। जैसे कि मेन आउट लाइन होती है, थिक लाइन इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कंटिन्यूअस थिक बोल्ड एंड डार्क होती है, डार्क है, बिल्कुल बात सही है। और ये हल्की, देखिए हल्की में है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस ग्रे पेंसिल लाइंस, मतलब छेदक रेखाएं रचनात्मक होती है, विमा रेखाएं होती है, प्रसार रेखाएं होती है, इनके नाम, इनका यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखिए एक ऐसी जो रेखा जा रही है, इसे हम कहते हैं फ्री हैंड। ये फ्री हैंड रेखा है, क्या है? फ्री हैंड रेखा है, इसको हम लोग फ्री हैंड रेखाएं कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से इसको याद रखिए, फ्री हैंड रेखाएं इसको कहते हैं, पेपर में आ जाता है ये। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी ये लाइन है, ये लाइन कौन सी होती है? तो शॉर्ट डैशेस, मीडियम और थिक, ठीक है, ये होती है हिडन लाइन। जो डैश डैश नहीं होती, ये हम कहते हैं हिडन लाइन होती है, ठीक है। सेंटर लाइन भी ऐसा ही आती है, जो ऐसे बीच में पॉइंट होता है सेंटर लाइन में आ जाती है वो। जैसे अगली लाइन हमारी आ रही है, तो वो है सेंटर लाइन, ये आई, फिर बीच में ये आई, ये भी ये इसको हम कहते हैं सेंटर लाइन कहते हैं, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। अगली हमारी जो लाइन है, बस इतना याद रखिए कौन सी क्या लाइन का नाम है। ये हमारी जो है, देखिए कटिंग प्लेन लाइन है, क्यों है? क्योंकि एक ये बना तो दो छोटे होंगे, फिर एक बनेगा, इसको कहते हैं टू शॉर्ट डैशेस अल्टरनेटिव। टू शॉर्ट डैशेस का मतलब दो छोटे छोटे डैश हैं, इसको अल्टरनेटिव लाइन कहते हैं, ठीक है। अगला है लॉन्ग डैश, देखिए ये है, इसे कहते हैं लॉन्ग डैश एंड डॉट अल्टरनेटिव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली हमारी है अवरोध रेखा, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक लाइंस कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये ऐसे आई, फिर ये ऐसे आई, ब्रेक लाइंस से कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट और आखिरी लाइन है हमारी, इसको हम लोग कहते हैं डिट्टो लाइंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, जो ऐसे ऐसे बराबर चलती है इसको हम लोग कहते हैं डिट्टो लाइन। चलिए ठीक है दोस्तों, आज इंजीनियरिंग टाइम इतना ही था। हम लोग इंजीनियरिंग टाइम कोई ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आइसोमर्स ये सब चीज़ें अभी हम लोग पढ़ना है, ओके। चलिए ठीक है, थैंक यू।